एक तरफ हमारा भारत देश विकास के नाम पर मंगल ग्रह पर रहने के सपने देख रहा है, या यूं कहिए मंगल ग्रह पर रहने की पूरी तैयारी पर है, दूसरी तरफ प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश पर, हमारे वातावरण पर इतनी हावी हो रही है जिससे न जाने कितनी तरह की प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में हुई उत्तरांचल त्रासदी या कश्मीर के ऊपर आई हुई भारी विपदा इन सभी बातों का जीता जागता सबूत है। पर क्या हम इसको दैविक आपदा मान सकते हैं? हमने पहले भी इस विषय पर काफी चर्चा करी कि सिर्फ दैविक आपदा मान लेने से हम लोग इन बातों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको मिलवाना चाहूंगी ब्रह्मा कुमारी संस्था के इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहन सिंगल जी। मोहन सिंगल जी, आपका G28 में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि डिजास्टर को आप किस तरह से समझते हैं, या डिजास्टर का मेन मतलब क्या है? आपदाएं तो एक तरीके से जीवन का अंग बन गई है, बिल्कुल। और आपदाओं को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक है प्राकृतिक आपदाएं, बिल्कुल। दूसरी है मानव द्वारा प्रेरित आपदाएं। बहुत स्पष्ट है, एक प्राकृतिक आपदाएं जो हमारे चारों तरफ प्रकृति है, पांच तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनके द्वारा जो आपदाएं होती हैं, और मानव निर्मित आपदाएं जैसे टेररिज्म है या कोई भोपाल गैस ट्रेजेडी जी या जी इस बिल्कुल प्रकार से ये बिल्कुल आपदाएं हैं। बिल्कुल तो वास्तव में आपदाओं का तात्पर्य अधिकतर प्राकृतिक आपदा से होता है। तो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं फ्लड्स, कहीं सुनामी, और जैसा आपने बताया बहुत की उत्तराखंड हो चाहे जम्मू कश्मीर या आसाम, हर जगह प्राकृतिक आपदा एक या दूसरे रूप में आ रही है। जी तो आपदाओं का कनेक्शन वास्तव में विज्ञान के उन्नति के साथ भी है, और साथ ही साथ उस उन्नति को हम समुचित रीति से नहीं कर सके, ठीक रीति से नहीं देख सके, इस कारण से है। इसीलिए 1992 में जब ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी, उसमें इस मुद्दे को जब बहुत बड़े रूप से उठाया गया, तो वहां पर एक शब्द कॉइन किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जी डेवलपमेंट तो हो लेकिन इतना हो कि उसे हम सस्टेन कर सकें। लेकिन अभी तक भी अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रही है, और जी इसी कारण से ही जंगल कट रहे हैं, इसी कारण से जितने अनेकानेक कारण हो रहे हैं उन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आदि आदि ये सब देखने में आ रहे हैं। जी तो डेवलपमेंट हो लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल हो, और बाहर की डेवलपमेंट का अंदर की डेवलपमेंट से बहुत गहरा संबंध है। जी विज्ञान का बाहर डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन मनुष्य का आंतरिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मैच नहीं कर पा रहा है। और उस डेवलपमेंट में एक विशेष बात और भी है कि देखा जाए तो डेवलपमेंट बाहर के, लेकिन उसका एक मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाओं का है मनुष्य के अंदर के पांच विकार, कमजोरियां। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, बिल्कुल लेकिन जंगल कट रहे हैं उसके पीछे एक मुख्य कारण यही है, मनुष्य की लोभ वृत्ति, साथ ही साथ मनुष्य की काम वृत्ति, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, और अधिक पॉपुलेशन है तो अधिक मकान चाहिए, अधिक इंडस्ट्री, हर एक चीज अधिक चाहिए, बिल्कुल इसलिए जंगल कट रहे हैं। तो इस कारण से देखा जाए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच जो है, और जैसे आपका चैनल इस पर ध्यान दे रहा है कि संस्कृति का विज्ञान के साथ क्या संबंध है, तो बिल्कुल देखा जाए प्राकृतिक आपदा का भारतीय संस्कृति इसके साथ बहुत बहुत गहरा संबंध। बिल्कुल बिल्कुल भारत जाना नाम जो है वो जाना ही संस्कृति की वजह से जाता है। अभी देखिए जितने भी डिजास्टर हो रहे हैं, जैसे अब इतने सारे बांध ये वो प्रॉब्लम्स जो आ रही है उसके लिए कहते हैं कि नदियों की वजह से हो गया। अरे एक बहुत मेन है कि नदियों का रास्ता अगर रोकोगे तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। तुम रास्ता रोक क्यों रहे हो, उनको स्वच्छंद चलने क्यों नहीं दे रहे हो? तो बहुत अगर अच्छा। किसी चलती हुई बहती धारा को तुम रोक के उसके लिए धारा बंद करोगे तो नदी का वेग है चलना, अगर तुम उसे रोकोगे वो नया रास्ता बनाएगी। अब नया रास्ता तुम अपने लिए विनाश की ओर लेके आ रहे हो। सही बात तो है। इसीलिए मैं
मैं ये कहूंगी कि आप इसको एक स्पिरिचुअली किस तरह से लेंगे, जो ये डिजास्टर हो रहे हैं उनका स्पिरिचुअली क्या महत्व समझते हैं, क्या किस तरह से जोड़ेंगे? इन आपदाओं का आध्यात्मिक पक्ष एक अलग है, हाँ जी, और ये भौतिक पक्ष जो है वो तो सबके सामने देखने में आ रहा है कि जंगल कट रहे हैं और ये सब हो रहे हैं, ये एक मुख्य कारण है। लेकिन आध्यात्मिक पक्ष ये है, कर्मों की गुह्य गति, वास्तव में व्यक्ति के कर्म जो हैं, सॉरी, तो व्यक्ति के कर्म भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेवार है। तो जैसे मैं बता रहा था, विकास विज्ञान का तरह डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन चूंकि आंतरिक डेवलपमेंट मैच नहीं कर पा रही है और इस कारण से बाहरी डेवलपमेंट को हम मैच न करने की वजह से, जैसे डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, आइंस्टीन जी ने बताया, बहुत बढ़िया बताया, उन्होंने कहा कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज ब्लाइंड, नॉट ब्लाइंड बट लेम, एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज लेम। तो वास्तव में विश्वास एक अच्छी चीज है, लेकिन धर्म ने आज कहीं कहीं अंधविश्वास जो पैदा कर दिया है, तो धर्म इस कारण से अंधा हो गया है और विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा हो गया है। तो आपने लंगड़े और अंधे की कहानी सुनी होगी कि भाई दोनों ही अपनी मंजिल जाना चाहते हैं लेकिन हैंडीकैप है, नहीं कर सकते। तो क्या किया उन दोनों ने, सहयोग करके एक दूसरे को, अंधे ने लंगड़े को अपने ऊपर बैठा लिया और वो रास्ता बताता चला गया लंगड़ा, और अंधा चलता मंजिल पा ली। इसी तरह विज्ञान का भी लक्ष्य मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि सब देना, राइट, बहुत अच्छा है। धर्म का भी यही लक्ष्य था, लेकिन दोनों ने क्या किया, इस अति अपनी अपनी दिशा में चले गए और इस कारण से अपने मंजिल को तो नहीं पा सके, लेकिन उसका साइड इफेक्ट, इल इफेक्ट बहुत क्रिएट हो गया। जी, आज धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए हैं उतने शायद किसी नाम पर नहीं हुए। बिल्कुल। इसी तरह विज्ञान ने सुख सुविधा तो दी, सबके सामने है, हर क्षेत्र में, कम्युनिकेशन हो, डेवलपमेंट हो, कोई भी हो, लेकिन साथ ही साथ इल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा, विकास दिया पर विनाश भी दिया। और हम लोगों का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि हमने विकास को नहीं समझा, हमने विनाश को ले लिया, कबूल कर लिया अपनी नासमझी और अपने लालचों में। तो इसके जो इल इफेक्ट्स हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदा जब आती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इवन एक सेकंड पहले तक हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते अर्थक्वेक आने वाला है। इसी तरह अधिकतर प्राकृतिक आपदाएं यही होती हैं, लेकिन हम एक कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी हमारी पूरी हो। बिल्कुल। और अगर तैयारी पूरी होगी तो उसके इल इफेक्ट उतने मिनिमाइज हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे। तो इसके लिए एक आवश्यकता तो ये है कि एक हमारी भौतिक तैयारी, हमारे जो वार्निंग सिस्टम्स हैं अर्थक्वेक के या सुनामी के, मुझे याद है कि हम 2004 में विज्ञान भवन में हमारी कॉन्फ्रेंस थी 27 दिसंबर को, और उसका इनॉग्रेशन मिस्टर जायसवाल, उस समय के होम मिनिस्टर, वो कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया, एक दिन पहले ही सुनामी आई थी, इंडोनेशिया में जनरेट हुई थी, और उन्होंने बताया कि जब इंडोनेशिया में जनरेट हुई तो वहाँ आंध्र प्रदेश का एक नागरिक वहाँ कार्य कर रहा था, इंजीनियर, तो उसने तुरंत ही अपने घर में फोन करके बोल दिया कि भाई ये सुनामी जनरेट हुई है और 1.5 घंटे बाद इंडिया इंडियन कोस्ट को हिट करेगी, आप लोग तुरंत ही चले जाओ छोड़ के जिस हालत में हो। तो वो ही एक गांव था जहां पर कोई भी ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं हुई, ह्यूमन लॉस नहीं हुआ, बाकी हर जगह हुआ। और उन्होंने ये कहा, सबसे ज्यादा बात यह है कि हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में बड़े टॉप पर समझे जाते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सके जबकि आईटी की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो आवश्यकता यह है कि हम बाहरी सिस्टम को तो डेवलप करें विज्ञान के द्वारा, लेकिन इंटरनल सिस्टम को भी डेवलप करें। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीपैथी है, तो ये आध्यात्मिक पक्ष है, बाहर का कम्युनिकेशन ये वैज्ञानिक पक्ष है, वो तो करें। लेकिन अक्सर देखा गया जब भी कोई कैलेमिटी होती है ना, तो फर्स्ट कैजुअल्टी हमारे टावर्स होते हैं और ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन सबसे पहले होता है। तो अगर ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो, लेकिन हम अगर इंटरनल कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सकें, ये उन्होंने बताया, तो लगा सभी को कि हाँ ये कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो सकता है और ये आवश्यकता। और मैं बताना चाहूँगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त भी जब चारों तरफ रात को 1:30 बजे ये हुआ,
तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम का जो थे वहाँ बहने, तो उन्होंने ये इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम को यूटिलाइज किया। बस वो जाके मेडिटेशन रूम में बैठे और उन्होंने सिग्नल मांगा, परमात्मा से कम्युनिकेशन डेवलप किया। तो उन्हें जो प्रेरणाएं हुई उसके आधार पर उन्होंने जो स्टेप उठाए 100% सक्सेसफुल, उनकी सेफ्टी भी हुई, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बाहर का विज्ञान के साथ साथ हम इंटरनल डेवलपमेंट ये भी करें। और इसके उदाहरण बड़े सिंपल हमारे सामने, तानसेन का हम जानते हैं। तानसेन जी ऐसी राग निकालते थे, दीपक राग, दीपक जल जाते थे, मलार राग निकाली, वर्षा हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास प्रकृति को वश में करने के साधन हैं, लेकिन अभी हम अपने उन इंडियन कल्चर को भूल गए हैं। और मैं, मुझे विश्वास है कि आपका चैनल उन्हीं कल्चर को फिर से वापस लाके हमें सिरमौर बनाएगा, और हम प्राकृतिक आपदाओं को बहुत अच्छी रीति हैंडल करके हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसके बाद आप लोग उन जो त्रासदी हो गई है उन लोगों का नुकसान तो हो ही गया है, पर एक मेंटली उनको प्रिपेयर करना, उनको ठीक करना, उनका लेवल, तो उसके लिए आप कैसे तैयार होते हैं, उनके लिए कैसे कार्य करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रकृति शब्द के दो अर्थ है। प्रकृति मीन्स पांच तत्व और प्रकृति मींस ह्यूमन नेचर। बिल्कुल, मेरी प्रकृति है, माय नेचर इज लाइक दैट। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो अगर हम ह्यूमन प्रकृति को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो वो हमारी स्वस्थिति जो है बाहरी परिस्थिति के ऊपर वो हावी हो जाएगी। अभी क्या है कि बाहरी परिस्थिति जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, वो हमारी आंतरिक परिस्थिति को डगमग कर देती है। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट इतना करें। तो आज ट्रेजेडी ये है कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का तो युग है, बहुत इंफॉर्मेशन।